कुछ कपल्स ने दो दिन फिजिकल रिलेशन बनाया और उन दोनों दिनों में ही अनवांटेड 72 भी ले ली, तो क्या ये ठीक है और अब क्या करना चाहिए? मान लीजिए आज फिजिकल रिलेशन बना, तो अगले जो 72 घंटे यानी दो दिन और जो आगे आएंगे उन दिनों में उस टैबलेट को ले लेना है जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। लेकिन सिचुएशन कुछ लोगों के साथ ऐसी भी हुई जिन्होंने मुझे लिख के भेजा है कि उन्होंने दो दिन रिलेशन बनाया, दोनों दिन ही टैबलेट ले ली, तो दूसरे दिन तो लेने का कोई मतलब ही नहीं था बिकॉज आपने ऑलरेडी जो पहली टैबलेट ले ली है वो 3 दिन तक काम करेगी, तो आप कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ वेट करना है पीरियड आने का, और पीरियड जो समय पर जो आती है एक्सपेक्टेड डेट जो होती है पीरियड आने की वो उससे पहले भी आ सकता है और वो उससे एक हफ्ते बाद भी आ सकता है। वेट एंड वॉच की स्थिति में ही रहना है और ज्यादा घबराना या परेशान नहीं होना है। अनवांटेड 72 सेफ डे में लेने की जरूरत भी नहीं होती है, हो सकता है आपका कॉन्टैक्ट सेफ डे में हुआ हो, तो इसलिए बहुत सारे दिन पूरे चक्र में ऐसे होते हैं पीरियड के जिन दिनों में अनवांटेड की जरूरत है ही नहीं, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप नीचे लिंक प्रेस करके उन वीडियोज को देख सकते हैं कि किन दिनों में अनवांटेड की जरूरत है और किन दिनों में 72 की जरूरत है ही नहीं। ये जानकारी आपके लिए होना इसलिए भी जरूरी है कि जिन दिनों में टैबलेट की जरूरत है ही नहीं उन दिनों में अगर आप अपने पार्टनर को अनवांटेड 72 देते हैं तो अननेसेसरी हार्मोनल टैबलेट देने से पीरियड इररेगुलर होते हैं और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, कि आप अननेसेसरी वो टैबलेट का इस्तेमाल ना करें, अगर जरूरत हो तभी उनको इस्तेमाल करें। तो इसकी पूरी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कॉलिंग के लिए भी मुझसे पूछा है, तो अगर आप इंडिया, यूएसए, यूके और कैनेडा में रहते हैं तो आप कॉल मी 4 पे कॉल कर सकते हैं। अदर देशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी मैं जल्दी ही ऑप्शन बताऊंगा कि वो किस माध्यम से बात कर सकते हैं। अगर आपका कोई डिफरेंट क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके कमेंट भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।